दोस्तों साइकोलॉजी कहता है कि हमें कभी भी इन सात बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है वो सात बातें। नंबर वन, हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर टू, जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी उसे किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर थ्री, ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वो बाहर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार ये मुश्किलें और बढ़ा देता है। नंबर फाइव, अगर आप बहुत ही साहसी किस्म के हैं और आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो इसे हवाओं पर छोड़ दें। यह आपकी यश कीर्ति अपने आप फैला देंगी। आपको दूसरों से ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और नंबर सिक्स, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेखी बगाड़ते हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है, इससे आपकी बहुत बेइज्जती हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी मत करें। और अंत में नंबर सेवन, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कभी ना बांटें। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। ये वो अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपा कर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। दोस्तों, इसमें से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर से मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही रोचक साइकोलॉजी फैक्ट के साथ।